अगर आप होटल में चेक इन करते समय ट्रेन में टिकट चेकर के आईडेंटिटी प्रूफ मांगने पर फट से पैन कार्ड निकाल देते हैं तो संभल जाएं। पैन कार्ड का आईडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है। पैन और आधार कार्ड आपके सबसे ज्यादा मांगे जाने वाले दस्तावेज हैं। पैन से जुड़े आपके अधिकार क्या हैं, आपसे कौन पैन नहीं मांग सकता, इस बारे में पूरी जानकारी जरूरी है। पैन कार्ड की जानकारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते समय ही दी जानी चाहिए। पैन कार्ड के डिटेल्स का कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसे आप हाल ही में सामने आए एक मामले से समझ सकते हैं। कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, जिसके बारे में उन्हें पता तब चला जब उन्होंने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखी। मामला डिजिटल लेंडिंग कंपनी धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड से जुड़ा है। इस डिजिटल लेंडिंग कंपनी ने उनके साथ एक बड़ा खेल कर दिया। मामला यह है कि कई ऐसे लोगों ने जिन्होंने कंपनी से कोई लोन नहीं लिया, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री में अचानक से कंपनी के बेहिसाबी लोन दिखने लगे और ये लोन उनके पैन कार्ड के डिटेल्स लेकर लिए गए। मतलब साफ है, उन्होंने कभी ना कभी आईडी प्रूफ के तौर पर पैन का इस्तेमाल किया होगा और किसी ने डिटेल्स चुरा कर उसका गलत इस्तेमाल किया। यानी लोगों के ब्यौरे का इस्तेमाल ऐसा हुआ कि वे बिना कर्ज लिए ही कर्जदार बन गए और जले पे नमक ये है कि उनका क्रेडिट स्कोर भी बिगड़ गया। तो पूरा मामला आइडेंटिटी थेफ्ट का है, क्योंकि ग्राहकों के पैन कार्ड की जानकारी लेकर ये कथित लोन लिए गए। इन पीड़ितों में आम लोगों के अलावा एक पत्रकार और एक अभिनेत्री भी शामिल हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफ शेयर की और ये भी बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत की है। आपको अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी करवाते समय भी सचेत रहना चाहिए। आपकी फोटोकॉपी के नीचे अगर आपका साइन है तो उसका इस्तेमाल कोई लोन या क्रेडिट कार्ड आदि के लिए कर सकता है। कई लोग जिनका खुद का क्रेडिट स्कोर खराब है, वे आपके पैन डिटेल का इस्तेमाल कर लोन ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर इनकम टैक्स वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा लें और ITR फाइल कर दें। ऐसा आपका कोई करीबी व्यक्ति या जानकार कर सकता है जिसे आपका सरनेम और जन्मतिथि पता हो। ऐसे में आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास नहीं आएगा, बल्कि उस व्यक्ति की जेब में चला जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपके पैन कार्ड का कोई दुरुपयोग हो, तो आप जहां तहां पैन कार्ड की जानकारी देने से बचें। ऐसा करने से आपके पैन कार्ड का डेटा चोरी नहीं होगा। आईडेंटिटी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड ना दिखाएं, इसके बजाय आधार या वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट वगैरह का इस्तेमाल करना ही सही होगा।